शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फरवरी साल 2022 का राशिफल। तो फरवरी का महीना कैसा जाएगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं, और साथ में हम आपको उपाय वगैरह भी बताएंगे, जिसे यदि आप करते हैं तो आपका अच्छा ही होगा। लकी रंग और लकी नंबर भी हम आपको बता देंगे, और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो धनु राशि के जातक, फरवरी में कैरियर की स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी, और धनु राशि के जातकों को ध्यान देना बहुत आवश्यक रहेगा। धनु राशि वाले जातक पिछले साल से अधिक लाभदायक और शुभ रहने वाला है साल 2022। ग्रहों की स्थितियां धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाली है। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति का मीन राशि में गोचर होगा और गुरु धनु राशि के केंद्र में स्थित होकर धन में वृद्धि करेंगे। तो मार्च तक तो ठीक है, मार्च के बाद का जो समय होगा वो काफी बढ़िया वाला रहेगा। धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए आर्थिक लाभ, पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। खास तौर से इस वर्ष मार्च माह से पहले आपके कैरियर में वृद्धि दिखी जाएगी, और साथ ही आपको कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने के भी योग रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट रहेंगे। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा और बुरा दोनों रहेगा फरवरी का महीना। यदि घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है, लेकिन इस माह उन्हें कहीं बाहर जाने देने से बचें, साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि उन्हें डॉक्टर पहले से ही मना कर रहा है या उन्हें कोई गंभीर बीमारी है तो फिर डॉक्टर के संपर्क में उनका रहना ज़रूरी है। यदि आपके बच्चे भी स्कूल में हैं तो उनकी बात, कोई भी बात आपको प्रसन्न करेगी, साथ ही आप उनके साथ कुछ स्पेशल या नया करने का प्रयास करेंगे, और आपके इस प्रयास से दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा तथा वे आप पर गर्व करेंगे। घर में सब कुछ सुख शांति से होगा और आपसी प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि हम आपके शिक्षा और कैरियर की बात करें तो वह फैशन या मीडिया के क्षेत्र में है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ ऐसे अवसर हाथ में आएंगे जो सामान्य तो लगेंगे लेकिन उन पर काम करने से आपको आगे चलने के बहुत अच्छा अनुभव भी होगा और फायदा भी होगा। ये हम आप पत्रकारों के लिए शुभ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे जो लोग हैं वो अपने थोड़े से प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रह सकते हैं। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि किसी अपने के द्वारा आपको भ्रम में डालने का प्रयास किया जाएगा। कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मन असंतुष्ट रहेगा और पढ़ाई में कम मन लगेगा। स्कूल के छात्र किसी बात को लेकर थोड़े से आशंकित रह सकते हैं। धनुराशि के जातक के जो महीना है, प्रेरणा की कमी तो नहीं रहेगी आपको। अपने सहकर्मियों को अच्छी तरह से देखें, उनमें से कुछ को आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है तो बिल्कुल मदद कीजिएगा। काम से आराम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है खेलना, तो थोड़ा सा खेल कूद पे ध्यान दीजिएगा। दोस्ताना रवैया अपनाइए अपने सहकर्मियों के साथ, और कोशिश कीजिए कि आप अपने काम से, अपने व्यवहार से अपने बॉस तक पहुंच बनाने की कोशिश कीजिए। हर कोई आपकी कंपनी में बड़ा ही रिलैक्स फील करेगा, और वे आपके साथ कुछ अपने रहस्य बांट सकते हैं, पर आप अपना रहस्य बिल्कुल मत बांटिएगा। ऐस और उनकी भी जो जानकारी है उस जानकारी का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। यदि हम व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापारी माह के तीसरे सप्ताह में लेन देन के समय सावधानी बरतें। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग इस माह थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो देखने में तो लुभावने लगेंगे लेकिन बाद में ही आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। सरकारी कर्मचारी भी इस माह अपने काम को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि किसी बड़े अधिकारी या रसूख प्राप्त व्यक्ति के द्वारा आपके काम में बाधा डाली जाएगी, तो ऐसे में उनके साथ उलझने से बचें, अन्यथा ये समस्या आगे चलकर बड़ा रूप ले लेगी जो आपके लिए फिर मुसीबत रहेगी। यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो भाई
सप्ताह, पहला सप्ताह ही में समझ लीजिए थोड़ा से गले की बीमारी वगैरह हो सकती है, गले में खराश आ सकती है, खांसी वगैरह हो सकता है। तो रात को सोने से पहले चाय पत्ती को पानी में उबाल कर पिए तो अच्छा रहेगा। माह का दूसरा और चौथा सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन तीसरा सप्ताह में कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। आपका कोई अपना मित्र या कोई अपना आपसे ऐसी बात साझा करेगा जिस कारण आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं, और ये फिर आगे बढ़कर ये आगे चलकर जो तनाव है बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि उसे सुलझाने का प्रयास करें और किसी अन्य के साथ इस बात को साझा करें, और उनका भी जो आइडिया है वो आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, दाम्पत्य जीवन की, शादीशुदा लाइफ की भी। देखिए, यदि आपकी अपनी प्रेमी के साथ विवाह की बात चल रही है तो थोड़ी सी अटकेगी। घर के किसी सदस्य को आपका रिश्ता मंजूर नहीं होगा और उसके द्वारा इसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा। सिंगल लोग का अपने ही किसी दोस्त के परिवार के किसी सदस्य पर आकर्षण का भाव आएगा, लेकिन उसे कह नहीं पाएंगे। विवाहित हैं तो बढ़िया समय है, दोनों साथ मिलकर अपने परिवार वालों के कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे, और इस माह आप दोनों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आगे चलकर एक यादगार और मीठे अनुभव के रूप में होगा। अब थोड़ा सा हम उपाय की बात करते हैं, थोड़ा सा उपाय भी कर लीजिए, बढ़िया ही रहेगा। धनु राशि के जातक, देखिए, कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपको हमेशा अपनी नाक साफ कर लेनी है, एक उपाय है ये लाल किताब का उपाय हम आपको बता रहे हैं। सूर्यदेव के लिए एक बेहद कारगर लाल किताब उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक बैल को खाना खिलाइए जिसकी पूजा हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में की जाती है, यह आपको बहुत बेनिफिट देगा। चिड़ियों को दाना डालें और दान पुण्य का सामाजिक कार्य करें, और अगदी हो सके तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शुद्ध सोने की अंगूठी आप धारण कीजिए, यह आपको बहुत फायदा देगा। अब हम आपके लकी नंबर आपको बता देते हैं। लकी नंबर होगा आपका 6, और लकी जो रंग होगा वो होगा हरा, हरा रंग लकी रहेगा। और यदि आप किसी यात्रा वगैरह पे जा रहे हैं तो, और खास करके यदि वो दिन मंगलवार है, तो फिर कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ के निकलिएगा, प्रसाद चढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ऑटोमेटिक देखेंगे कि जो भी संकट आपके ऊपर आने वाला है वो संकट ऑटोमेटिक आपका निपट जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।